जबरदस्ती में बिठाया, उसमें क्षमता था 170-175 आदमी बैठाने का, उसमें 130-135 बैठाया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हादसे का शिकार हुई बस को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बस में सवार तमाम यात्रियों ने जो आप बीती बताई है उसे सुनकर ये लगता है कि नियमों की जमकर अनदेखी की गई थी। बाराबंकी में हादसे का शिकार हुई बस के सवार यात्री बताते हैं कि उन्होंने शाम को 7 बजे हरियाणा के कैथल से बस पकड़ी थी। ये सभी लोग बिहार के मजदूर थे जो वहाँ पर धान और गेहूँ की खेती के लिए गए थे। इसी बीच लॉकडाउन लग जाने के कारण ये घर वापस नहीं लौट सके और जिस बस से इन्हें वापस आना था उस बस में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाया गया और मजदूरों ने इसका विरोध किया तो उनकी एक न सुनी गई। हरियाणा के कैथल से चलकर बस बाराबंकी पहुंची और राम सनेही घाट के पास इसे ट्रक ने टक्कर मारी तो 18 लोगों की जान चली गई। लेकिन हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों ने जो बात बताई है उसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। 70 सीटों वाली बस में 130 से 135 यात्रियों को बैठाया गया था। कई मजदूर ये बात कहते हैं कि उन्होंने ड्राइवर की इस हरकत का विरोध किया था लेकिन ड्राइवर ने उनकी एक न सुनी। गरीबी के कारण ये मजदूर किसी तरह इस बस में सवार होकर बिहार में अपने घर के रास्ते पर लौट रहे थे। इसी बीच बाराबंकी में वाहन खराब हो गया और सड़क के किनारे गाड़ी को खड़ा करके इसे बनवाने की तैयारी शुरू की गई। इसी बीच पीछे से आ रही एक ट्रक ने बस को टक्कर मार दी और वाहन सवार 18 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद तमाम लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन बस में सवार यात्रियों से हमारे संवाददाता जितेंद्र मौर्य ने जो बातचीत की है उसे देखकर ये पता चलता है कि बसों में यात्रियों को बैठाने को लेकर नियमों की अनदेखी की गई और हादसे का शिकार हुए लोगों पर अब जो गुजर रही है उसका जवाब किसी के पास नहीं है। बिहार से गए थे धान लगाने के लिए। हाँ। सैथली गांव। कब गए थे बिहार से? हाँ। कब गए थे? वो गए थे तो गेहूं से वहाँ रह गए। कितने दिन पहले बिहार से गए थे? 3 महीना पहले। 3 महीना गए थे धान लगाने। पहले गाँव था सैथली, जिला जिंद पर। फिर वहाँ से उलाना गए, उलाना से बस पकड़ के कैथल आए। कैथल में बस पकड़े कुरुक्षेत्र में बस पकड़े थे सीधे और ये बस अच्छा हो गया। कितने लोग थे आपके ग्रुप के लोग? लगभग हमारे ग्रुप का 7 था। बस पर सवार था 130-135 सवार था। बस पर 130-135 व्यक्ति सवार था, उसमें से 7 आदमी को पहचानते हैं। तुम कहाँ काम करने गए थे? हाँ, 3 आदमी से मर गया, 4 जीवित। इतना जब उसमें बस पे चढ़े थे कितने लोग सवार थे बस में? 130-135 के एवरेज था उस समय। बस वालों को टोका था आप लोगों ने? टोका था, थोड़ा गलती भी क्या, धोखाधड़ी भी है क्या, हम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर दिया था क्या? जबरदस्ती भी बैठाया, उसमें क्षमता था 170-175 आदमी का बैठाने का, उसमें 130-135 बैठाया। जोर जबरदस्ती। क्या नाम आपका? हरिराम यादव।